अभी गेम किस तरीके से आगे बढ़ती है अब देखिए, सर्कल कितना छोटा होता जा रहा है और हमारी सारी टीम कैसे यहाँ पे सर्वाइव करेगी, ये है सबसे बड़ा सवाल। और एक्साइटमेंट और एम पावरफुल पावर होगी यहाँ पे। यहाँ पे आरआरक्यू सीनियर ने किसी को नॉकआउट कर दिया है, एंड कील, ये जो हमारी टीम क्वेसो के कील है यहाँ पे, इन्होंने भी एक और टीम का नहीं ने यहाँ पर इंस्टेंटली ट्रेड ऑफ लिया। और ईजीसीबीआई ने आरआरक्यू की डी2वी फिर से एक बहुत बड़ी सवाल प्रॉब्लम के अंदर आ चुके हैं। सीनियर थोड़ा कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, बट टीम क्वेसो के जो एक प्लेयर हैं एक्सेल, एक्सेल ही बोलेंगे ना, एक्सेल एक्सेल, वो काफी ऑफ गार्ड है, इंस्टेंटली पनिश हो सकते हैं अगर वो ध्यान ना दे। बट आई डोंट नो सीनियर को वो प्लेयर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, बट यहाँ पे एक्सेल को यहाँ पे पिक ऑफ कर लिया ईजीसी के बेयर ने, मतलब नॉकआउट किसी और ने क्या, केले एक तरीके से स्टील हो गई। इट्स अ बोनस सिचुएशन, विन विन सिचुएशन यार, कि मेहनत तुम करो खाना हम कम खा मेहनत लेंगे। में ज्यादा फायदा मिल सके वही तो इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर टीम क्वेसो थोड़ी सी दिक्कत में आ चुकी है, मिस्टिक भी अगर अर्ली एग्जिट ले लेते बिकॉज वो ब्लीड आउट कर रहे हैं, अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर है। एंड आरआरक्यू डोमिनेटिंग गेम प्ले दिखाते हुए अर्नी ने डाउन किया और को यूज करके मिस्टिक को फिनिश कर चुके हैं वो। सो अर्नी अर्न कर चुके हैं अपना स्पॉट, अपना किल अपनी टीम के लिए। नो डाउट उनका किल नहीं था, किसी और का किल था उनके ही प्लेयर का। सो किल्स के मामले में अभी जीरो है, बट ओवरऑल टीम किल्स वन हो चुके हैं। सामने इनके ईजीसी का स्क्वाड है, ईजी का स्क्वाड जिनके बेयर ने अभी पहले एंटिटी घातक के लिए दिक्कतें कर दी थी थोड़ी सी। अब ऊपर जाते हुए आरआरक्यू यहाँ पे फाइट लेना चाहिए, डाउन किया बहुत प्यारे तरीके से सेटन को, उन्हें दिखा दिया कि वेलकम टू हेल एंड यू आर नॉट गोना लाइक इट। बट वहां पे सीनियर डाउन हो चुके हैं, ईजीसी बियर ने बोल दिया कि हम फाइट लेने के लिए तैयार है। अर्नी स्लोली एंड स्टेडली आगे मूव कर रहे हैं, बियर की हेल्थ कम हो चुकी है, इक्वल अमाउंट ऑफ हेल्थ पे है, लेकिन जोन दिक्कत करने वाला। जी ना, स्लोली एंड स्टेडली मूव करना चाहिए, अर्नी को एक कवर पर मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया। एंड बिसाइड डाउन हो चुके हैं, क्या प्यारे तरीके से ड्रॉप शॉट लिया गया था, जोन के बाहर डाउन हो सकते थे लेकिन जो इन्होंने बूस्टर लगा रखा था उसने फायदा दिया, आगे आ चुके हैं। एंड ईडीसी के बेयर जो अकेले बचे हुए एक प्लेयर डाउन कर चुके हैं, अब बेयर के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी हैं इस पूरे पूरे सिनेरियो में। जी नाइन नो डाउट जोन के बाहर है, बट आरआरक्यू मेरे को लगता है यहां पर फंस चुकी है। आरआरक्यू के बिल्कुल डेड एंड आ चुका है, बिकॉज आरआरक्यू के प्लेयर आधे ब्लू जोन के अंदर है तो नॉकआउट है, तो यहाँ पे अर्ली नॉकआउट है वहां पे इनको, यहाँ पे मेरे ख्याल से G9 सीनियर को यहाँ पे रिवाइव देंगे, बट ये जो डैमेज पड़ रहा है बार बार मुश्किल होगा। G9 पे काफी ज्यादा प्रेशर होगा, यहाँ पे नेट मारकर ईजीसी के पेस को थोड़ा फॉल बैक करने में मजबूर करेंगे, बट क्या यहाँ पे कुछ हो पाएगा। अर्नी यहाँ पे डॉच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ओके देन उन्होंने यहाँ पे सारी अपनी हीलिंग गिरा दी है, देन आर श्योर कि वहां पे बच पाएंगे, बट G9 ने अपने ही प्लेयर अर्नी को यहाँ पे छटका दिया। इट्स लाइक इट्स अ सुसाइडल वे, मतलब दे डोंट, उनको लग रहा था कि अपनी सामने वाले को किल देने से अच्छा है कि खुद ही ले लें, बट ये किल काउंट नहीं होती। आई होप दे नो दिस, बट या 16 टीम्स 56 प्लेयर ऑल ऑल सेट इन द गेम। अभी इंटेंस गेम तो अभी बाकी है, और ईजीसी के प्लेयर गएंगे और सीधा जो उन्होंने लूट करनी थी अब लूट करेंगे, बिकॉज मेडिक्स काफी ज्यादा जरूरी है। कल हमने देखा था विकेंडी में एक मेडिक्स ही थी जिन्होंने सोल को काफी बचा लिया था, बिकॉज क्लच गॉड ने जो किल निकाली बन भी थी ना वो बहुत बढ़िया था। रिकॉर्ड टॉस ने सामने वाले को प्लेयर को डैमेज दिया और काफी अट्रैक्शन, बट जिस कंपाउंड के अंदर यहाँ पे सोल की लड़ाई हो रही है मेगा के साथ, और क्लच गॉड यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफ गार्ड सिचुएशन में पकड़े गए थे और उन्होंने मोलोटॉफ करके मेगा को थोड़ा सा फॉल बैक करने पर मजबूर कर दिया। ये काफी एग्रेशन जा रहा है यहाँ पे क्लच गॉड का, क्लच गॉड की एक गलती उनके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है, बट ये उन्होंने काफी ज्यादा डैमेज दे दिया, काफी ऑफ गार्ड थे वो। ये दूसरी बार हुआ है कि क्लच गॉड ने ऐसा किया, यहाँ पे रेगल टॉस का नॉकआउट हो चुके हैं और इसके बाद बैक टू बैक क्लच गॉड का भी यहाँ पे गेम खत्म हो गया। वाइपर, वाई दे आर गोइंग वन बाय वन, दिस इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन। यहाँ पे एक प्लेयर को नॉकआउट देखेंगे और मॉर्टल यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, मॉर्टल ने यहाँ पे दो प्लेयर का निकल से यहाँ पे नॉकआउट कर दिया, एक और किल अगर पॉइंट यहाँ पे जाते देन यहाँ पे मॉर्टल को और वाइपर को यहाँ पे किल मिल जाएंगी। वाइपर इंस्टेंटली एंटर करेंगे, पॉइंट का निकल से बचना मुश्किल हो जाएगा, ही इज यूजिंग ऑल हिज ऑल यू कैन डू यहाँ पे बचने के लिए। ये गेम मेरे हिसाब से तो मेगा की बिल्कुल अगेन जा चुकी है, एक और गोली वाइपर नो, बट अब बहुत अनफॉर्चुनेट यहां पे था और सोल एग्जिट लेगी, तो पहली टीम यहां से निकल रही है बिना किसी किल के, वो सोल है। मॉर्टल के ने काम काफी किया था, बट अफसोस ये है कि वो वाइपर का हलग सा थोड़ा थोड़ा चूक गया वो, बस एम बस वो गलती रह गई, बट नेवर माइंड, इट वाज अ ग्रेट फाइट, काफी अच्छा इंटेंस फाइट था, दोनों टीम को काफी भारी नुकसान हुआ यहां पे। यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड आप देख सकते हो यूनिक की स्क्वाड के सामने इल्यूमिनेट द मर्डर है, उनके स्कोप के अंदर एक बंदा है तो फिर वो उसको डाउन करना चाहेंगे। एंड यूनिक आरओजीई ने डाउन कर दिया वहां पे एआरडब्ल्यू के प्लेयर को, यूडू शॉर्ट्स ने डाउन किया है एक और प्लेयर को। अब यूनिक के प्लेयर्स के लिए दिक्कत आ चुकी है, जोन के अंदर है वो थोड़ा सा, बट देन थोड़े से नीचे के एरिया पर भी है क्वेरी के। एंड आरआरक्यू G9 स्लोली एंड स्टेडली ब्लीड आउट हो चुके हैं, और इस चौकर ने टीक्यू को डाउन किया, टीक्यू की पूरी स्क्वाड खत्म होती है 15 पोजीशन पर। अकेला प्लेयर जो टीक्यू का सर्वाइव कर रहा था वो अब जाकर एलिमिनेट होता है। एंड इल्यूमिनेट द मर्डर आप देख, तो प्लेयर्स को स्मोक के बीच में स्पॉट करना चाहते हैं, वो डेस्परेशन है, उनका स्कोप खुल रहा है लेफ्ट टू राइट, जो मूव कर रहा है वो स्पॉट करने की डेस्परेशन है, बिकॉज स्किल्स इंपॉर्टेंट है। हर एक टीम अब जोन में जाना चाहिए, बिकॉज फिफ्थ जोन लग जाएगा इसके बाद, एंड फिफ्थ जोन का डैमेज इज 1.2 टाइम्स आपकी हेल्थ का, जो 1.2% होता है
उतना डैमेज आपको मिलता है। बीटा लक्सी ने एक और प्लेयर को डाउन किया, M24 यूज करके ऑरेंज स्टॉकर को। अब ओल्ड बॉय को पता है कि ऊपर इनके इल्यूमिनेट के प्लेयर्स हैं, अपने प्लेयर को बुलाया जा चुका है याशा को, एंड आगे मूव करना चाहेंगे बिकॉज जोन इनके ऊपर नहीं है। चाहे 200 मीटर है बट आप देख सकते हो टेस्ट कितने आराम से जोन के सेंटर में होल्ड करके बैठे हैं, कोई भी उनके साथ अभी फाइट लेने के लिए नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली इट इज, अभी अगर आप किल फीट देखें लक्सी ने आप एंटिटी के घातक को नॉकआउट कर दिया, 14 पे आरआर क्यों नॉकआउट हो चुकी है। एंड एंटिटी पे मैं चाहूंगा कि एंटिटी का एंगल दिखाया जाए, एंटिटी के घातक नॉकआउट होना इट्स अ बिग सिचुएशन, बिग टेंस सिचुएशन फॉर टीम एंटिटी, बिकॉज वो कैप्टन है और कैप्टन अगर नॉकआउट हो जाए ऑब्वियसली थोड़ा तो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। बट ओके, यहाँ पे इल्यूमिनाटी द मर्डर ने काफी दूर से एआरडब्ल्यू के जो ओवर है उनको यहाँ पे गेम से बाहर कर दिया। 13 पोजीशन पे एआरडब्ल्यू यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। लक्सी ने यहाँ पे M24 से क्लीन हेडशॉट लैंड कराया और एवरीवन जस्ट पुटिंग डाउन। यहाँ पर अब घातक को रिवाइव करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉनाथन यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं और यस, अमन का क्या स्प्रे था, ईजी के सेटिन को इंस्टेंटली हेडशॉट मारा, वो भी बैरल के स्प्रे। वरना भाई मैं मानता हूँ इस प्लेयर की मैंने मेहनत देखी है, बिकॉज हर बार अपने आपको इंप्रूव करके आगे बढ़ा। राइजन यहाँ पे जॉनाथन को कंप्लीट कर दिया, बट क्या ये गेम के अंदर एंटिटी कुछ आगे बढ़ पाएगी? एंटिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनको कंसिस्टेंट गेम प्ले चाहिए। अभी 11 टीम्स बची हैं, कुछ भी करके अगर टॉप 5 में आते हैं देन दे कैन एटलीस्ट ट्राई, एटलीस्ट दे कैन गिव अ शॉट। बट यहाँ पे जो उनके प्लेयर को रिवाइव किया था अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बट ओके, ये प्लेयर काफी कम एचपी में भाग रहे हैं, घातक है नमन, हर बार ही प्रोन कर रहे हैं जिससे कि जितनी भी बुलेट्स इनकी तरफ आ रही हैं शायद से थोड़ी सी डॉज हो जाए, उनको आसान ना हो शूट करने के लिए। एंड डैमेज नहीं ले रहे बिल्कुल भी, अब हर बार ब्लू जोन में जाते हैं वापस आते हैं। ये देखिए जैसे ही ब्लू जोन आएगा फिर से भागेंगे और व्हाट अ कैलकुलेशन, मतलब प्लेयर को पूरा पता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और कैसे आगे गेम बढ़ना है। बट मेगा की पॉन्ड ने, मतलब भाई इस मेगा क्लैन ने, मतलब इन्होंने 8 किल निकाल लिए, बस इनको थोड़ी पोजीशन की प्रॉब्लम हो सकती थी। बट 9 स्पॉट पे यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है टीम मेगा, बट इन्होंने किल्स काफी अच्छी निकाली है तो इनकी इतनी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। बिल्कुल, और यहाँ पे कुछ स्क्वाड के क्रेकन आप देख सकते हो आगे मूव कर रहे थे। एंड ऑन दी अदर हैंड बीटीआर की स्क्वाड जोन के अंदर जाना चाहती है, टीईएस के पास जोन था, टीईएस जोन के एज पर आ चुके हैं जैसे ही जोन ने शिफ्ट लिया है। एंड एक शॉट, क्या ये शॉट कनेक्ट होगा, प्लेयर के लिए वेट कर रहा है, पैर के ऊपर शॉट मारा, क्या प्यारे तरीके से। ये होता अगर आपने एक भी पिक्सल दिखाया तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती है एंड ऑरेंज फायर के लिए दिक्कतें हो ही चुकी है। ये क्या प्यारा शॉट था, बट देन फायर यहाँ पर एलिमिनेट होते क्लाउड नाइन, एंड क्लाउड नाइन ने पिछला गेम बहुत अच्छे तरीके से निकाला, चारों प्लेयर उनके उस टाइम भी जिंदा थे अभी भी जिंदा है। क्या क्लाउड नाइन क्या फिर से एक अनइवन गेम प्ले दिखा सकते हैं जो कि बाकी सब टीम्स के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। एंटिटी अमन एक किल के साथ है, आगे मूव कर रहे हैं स्लोली एंड स्टेडली, जोनाथन को वो खो चुके हैं। 3 प्लेयर्स अलाइव फॉर द टीम फॉर साउथ एशिया एज अ होल, एंड धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। बट इनके सामने प्लेयर्स आप देख सकते हो, यूनिक का एक प्लेयर प्रोन था एंड ये मौके का फायदा उठाकर इल्यूमिनेट के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है बिकॉज ये सबसे पीछे, इल्यूमिनेट को पता नहीं, वो पीछे देख भी नहीं रहे, मुड़ के आगे जाएंगे, आगे जाके कवर लेंगे, एंड कवर लेने का मेरे को लगता है स्प्रेस विल बी ऑन द वे। एग्जैक्टली इट इज, यहाँ पे इल्यूमिनाटी के मार्टिन ने यहाँ पे KSHI को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है और यूनिक अभी अकेले और यहाँ पे एक प्ले कनेक्ट करे, उन्होंने दो प्ले नॉकआउट कर दिया, एक और प्ले नॉकआउट करते तो शायद गेम पलट सकती थी। इल्यूमिनाटी के दो प्ले नॉकआउट करे बट अब उन्होंने इंस्टेंटली स्मोक करेंगे, अपनी टीम को यहाँ पे रिवाइव करेंगे। यूनिक नॉकआउट, यूनिक एलिमिनेट हो चुकी है और इल्यूमिनाटी के 3 प्ले नॉकआउट बचे, अकेले बचे मार्टिन, मार्टिन में काफी ज्यादा प्रेशर होगा बट एक एक करके इल्यूमिनाटी के सारे प्ले यहाँ पे खत्म हो रहे। एक प्लेयर जो अपनी टीम को आगे ले जा रहा था उससे पूरा गेम खराब कर दिया यहाँ पर इल्यूमिनाटी का। इल्यूमिनाटी जो इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, चारों प्लेयर जिंदा थे, अभी 3 प्लेयर, 2 प्लेयर बाहर हो चुके, एक नॉकआउट एक बचा है एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। एंटिटी ने किल निकाली है, मेरे यहाँ पे उनकी 2 से 3 किल्स हो गई है बट उनके 2 प्लेयर बचे। घातक ने यहाँ पे सीना के बिवुल को यहाँ पे इंस्टेंटली कर दिया और घातक ने एक और नॉकआउट कर दिया है और भाई एंटिटी जस्ट प्लेइंग देयर बेस्ट गेम। एंटिटी के पास 2 नॉकआउट है अभी, यहाँ पर उनको क्लाउड नाइन के एक प्लेयर को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं तो कर पाए तो बेटर रहेगा। बट टेस्ट के जस्ट नीचे है यहाँ पे मार्टिन, ये क्या होने वाला है, बस मार्टिन पे इंस्टेंटली जंप किया, उनको अपने हिप फायर पे इलिमिनेट कर दिया फिफ्थ पोजीशन पे। अब बच्चे हमारे पास 4 टीम है, 11 प्लेयर्स, बीटीआर के मेकाल से सारे प्लेयर जिंदा नहीं है, एक प्लेयर नॉकआउट है, 2 प्लेयर जिंदा है, टेस्ट लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके पास 4 के 4 प्लेयर जिंदा है। यू नेवर नो, उनके पास पोजीशन अच्छी नहीं है, उनको अगर हिल पे ऊपर चढ़ना पड़ा, अगर कंपाउंड की तरह सर्कल कटा गुड फॉर देम, बट सर्कल जो नया कटा है वो बिल्कुल बीच पे कटा है, हर टीम को थोड़ा थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज बीटीआर के पास हाई ग्राउंड है, दे कैन टेक डाउन एंटिटी। बट यू नेवर नो, एंटिटी के प्लेयर्स के पास वो एम है जो उसको कम बैक कर सकता है, बट ये नेड आता है, अनइवन यहाँ पे राइजन को नॉकआउट कर दिया एंड दे जस्ट स्पैमिंग थ्रू द स्मोक कि कोई भी बुलेट हिट होती है, कोई किल मिलती है तो देन इट विल बी अ बिग अभगान नाजा। ये एक बुलेट हिट होना यहाँ पर डेस्परेशन था एंड यहाँ पर लक्सी के लिए भी दिक्कतें आ चुकी थी। एंटिटी नियो ने वहां पर क्लाउड नाइन के एक प्लेयर को डाउन किया, क्या प्यारे तरीके से एंटिटी गेम के अंदर सर्वाइव कर रही है 2 प्लेयर्स के साथ एंड टेस्ट के 4 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। बीटीआर का एक प्लेयर डाउन है बट देन 2 प्लेयर्स बाकी सर्वाइव कर रहे हैं एंड C9 अभी एक प्लेयर सर्वाइविंग, एक प्लेयर डाउन, अब दिक्कत आ चुकी है। अनइवन का गेम प्ले अनइवन हुआ एंड यहाँ पर प्ले जोन भी उनके लिए उनके अगेंस्ट जा चुका है। 3 टीम्स, टॉप 3 टीम्स, बीटीआर वर्सेस टेस्ट वर्सेस एंटिटी,
चार किल्स टेस्ट के, 8 किल्स बीटीआर के, एंटिटी 4 किल्स के साथ सर्वाइव करे। क्या एंटिटी यहाँ पर वो चिकन डिनर देगी जो अवेटेड है, हर बार सेकंड पोजीशन पर खत्म हो रहे थे, घातक आगे मूव करे स्लोली एंड स्टेडली आकर हेल्थ लगाना चाहेंगे। इसके बाद 23 मीटर इनको जोन में जाना है, बीटीआर अपर एच पे अपर एडवांटेज लेकर बैठी है, टेस्ट की टीम स्लोली एंड स्टेडली मूव कर रही है। बीटीआर अभी टेस्ट को नहीं देख सकती, टेस्ट एंटिटी के साथ डायरेक्ट फाइट ले सकते हैं। मेरे को लगता है ईयर्स अगर देख ले नियो को तो इनके लिए दिक्कत हो सकती है, बट देन अभी के लिए नियो को हर एक एंगल संभालना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। घातक ने डाउन किया क्या प्यारे तरीके से ईयर्स को, बट अब टेस्ट को पता है कि कहां पर उनके ओपोनेंट्स एंड टेस्ट के 3 प्लेयर्स है, घातक डाउन किए जाएंगे। यस, बीटीआर ने वहां से फायदा उठाया, नियो अकेले बच्चे रिवाइव नहीं दे सकते इस टाइम पे क्योंकि बहुत ओपन में है घातक। एग्जैक्टली यहाँ पे बचा काफी मुश्किल हो जाएगा, नियो ने काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी ले लिया, ऑलमोस्ट 20% एचपी के साथ है, घातक का गेम यहाँ पे खत्म हो चुका है, अकेले बचे यहाँ पे नियो, और यहाँ पे इंस्टेंटली दे आर पुशिंग, दे वांट टू कंप्लीट दिस नियो थिंग, बिकॉज यहाँ पर एंटिटी के नियो काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और थर्ड प्लेस पे एलिमिनेट होती है एंटिटी। एंटिटी ने काफी अच्छी किल्स निकाली, होपिंग गुड, बट ये है वो टॉप टीम। बीटीआर एंड टेस्ट यहाँ पे लड़ाई होने के हाई चांसेस है, बट यहाँ पे एक से एक को नॉकआउट तो भली किया, बट इंस्टेंट यहाँ पे नॉकआउट खुद भी हो गए। अब बीटीआर के 4 में से 2 प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट है और 2 प्लेयर लक्ष्य और जक्सी ऊपर बचे हुए, और वहीं पर अगर आप टेस्ट की बात करेंगे टेस्ट के प्लेयर भी एक एक करके यहाँ पे गिरते जा रहे हैं, 2 प्लेयर यहाँ पे टेस्ट के बचे हैं। दिस गेम इज गोइंग सो कॉम्प्लेक्स, वो सारे प्लेयर यहाँ पर नॉकआउट है, जिंदा एक पता ही नहीं चल रहा है। और अभी अगर आप किल्स देखते हैं तो 1 किल्स पे थे यहाँ पे वुडू क्लान, और यहाँ पे जो बीटा की बात करें, बीटा के लक्ष्य ने किल कंप्लीट कर लिया टेस्ट के एसआर की, जक्सी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, लक्ष्य ने यहाँ पे ईयर्स को निकाल दिया। इट्स अ 1v1 आई बिलीव, बिकॉज ईगल एक तरीके बचे हैं, ईगल बचे हैं यहाँ पर और सामने बचे हैं लक्ष्य, और यस उन्होंने यहाँ पे इंस्टेंट स्प्रे करने किया बिटवीन द बुशेस, एंड यस टेस्ट गेटिंग द वेरी फर्स्ट चिकन डिनर। टेस्ट ने यहाँ पे कल की शुरुआत भी काफी स्ट्रांग की थी, बट अब इस गेम में आप देखते हैं दे आर शोइंग बाय द अदर डिफेंडिंग चैंपियंस, बिकॉज स्प्रिंग स्प्लिट से जीत के आना उसके बाद डायरेक्ट इनवाइट को उसकी वैल्यू रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको अगर इनवाइट किया जा रहा है देन दे आर होपिंग अ इंटेंस परफॉर्मेंस फ्रॉम योर साइड एंड दे हैव शोन इट, बिकॉज लो ग्राउंड पे होकर हाई ग्राउंड टीम को मारना, उसके बाद बीच में एंटिटी ने जो फायदा उठाया उसको भी डेसिमेट करना, इट वॉज अ गुड डील। कल का फर्स्ट मैच था जो सैनोक का, उसके अंदर यही दोनों टीम फाइनल सर्कल में बची थी, तब बीटीआर